हेलो दोस्तों, मैं नवाज आप सभी का वेलकम करता हूँ इस चैनल पर। तो हम लौट आए हैं एक नए टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो के साथ। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्टकट्स इन एक्सेल। मोस्टली ये शॉर्टकट्स हमारे काम को स्पीड अप करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जहां आपको कोई भी बुक या तो कोई नेट से प्रिंटआउट निकाल कर शॉर्टकट मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये शॉर्टकट्स का लॉजिक समझने के लिए मैं ये चाहूँगा कि आपको हर ऑप्शंस का लोकेशन पता होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि बॉर्डर, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कोई भी चीज़ पे बॉर्डर लगाना है तो वो आपका होम टैब में है। अगर आपको फिल्टर लगाना है तो आपका वो डेटा टैब में प्लेस है। तो आपको ये लोकेशन पता होना ज़रूरी है कि वो ऑप्शन कौन से टैब में कहाँ पे प्लेस है। ओके, तो चलिए आप समझते हैं कि ये यहाँ पे आपके सामने दो डेटा अवेलेबल है। एक जगह पे हम शॉर्टकट का यूज करेंगे और एक जगह पे हम विदाउट शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहला विदाउट शॉर्टकट का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ डेटा प्लेस है और ये डेटा बहुत क्लमजी है, राइट? मुझे ये डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, ये डेटा को डिजाइन करना है। ओके, तो हमें इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, देखिए अब मैं सारी चीजें मैनुअली कर रहा हूँ। मैं माउस से इसको सेलेक्ट किया, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने यहाँ पे गया, होम टैब में गए और हमने यहाँ पे इसको सबसे पहला सेंटर कर लिया। ओके, फिर उसके बाद हमको ये जो चीज है, इस चीज को हम का विद हमको ऑटो फिट करना है। तो इस चीज को करने के लिए हम होम टैब में गए, उसके बाद हम फॉर्मेट में गए, उसके बाद यहाँ पे हम ऑटो फिट कॉलम विथ कहा। ओके, उसके बाद ये पूरे टेबल पे मुझे बॉर्डर प्लेस करना है। तो फिर मैं वापस से होम टैब में आया, बॉर्डर पे गया और यहाँ पे मैंने बॉर्डर ऑल कर दिया। ओके, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हेडर है, ये हेडर मेरा बोल्ड हो जाए, तो मैं वापस से होम टैब में जाऊंगा और बोल्ड पे क्लिक कर दूंगा। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये टेबल में आपका जो भी एंडिंग एरिया है, मैं वहां पे थिक बॉर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं वापस से बॉर्डर में गया, वापस से मैंने यहाँ पे थिक बॉर्डर ये प्लेस कर दिया। वैसे ही मैं हेडर एरिया को भी थिक बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। फिर मैं हेडर की बैकग्राउंड में यहाँ पे येलो कलर फिल करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो फॉन्ट है, मेरा फॉन्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं चलिए मैं ये फॉन्ट को यूज करता हूँ। ओके, तो आपने देख लिया यहाँ पे हमने मैनुअल एक्टिविटी किया, हमने माउस का यूज किया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करने की। देखिए यहाँ पे कोई भी चीज मगअप करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बेसिक लॉजिक बता दूंगा कि ये शॉर्टकट को यूज कैसे करना है। तो बेसिक लॉजिक के लिए आपको सबसे पहला लेआउट वीडियो देखना होगा जहाँ पे हमने बताया था कि कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम सारी चीजें अब मैनुअल यहाँ पे ऑटोमेटिक यानी शॉर्टकट का यूज करके करने वाला है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, यहाँ से क्या हो गया, मेरा टेबल सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे कोई भी माउस का यूज नहीं कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे सेंटर में अलाइन किया था। तो अभी देखिए मैं जैसे ही ऑल्ट प्रेस करता हूँ, जैसे ही ऑल्ट प्रेस कर लिया, ऊपर टैब्स में कुछ अल्फाबेट्स आ गए, HNPM, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कहाँ जाना है, ये आपका जो अलाइनमेंट होता है, ये अलाइनमेंट होम टैब में प्लेस होता है। तो होम टैब के लिए आपको एच प्रेस करने बोल रहा है, तो हम यहाँ पे एच को प्रेस करते हैं। देखिए जैसे एच को प्रेस कर लिया, यहाँ पे और भी कुछ अल्फाबेट्स लिस्ट हो गए, जैसे AC हो गया, 1 2 3 जो भी है। तो मेरे को अलाइन सेंटर करना है। तो अलाइन सेंटर के लिए आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, अलाइन सेंटर के लिए उसी के नीचे बताया जा रहा है कि AC अलाइन सेंटर है। तो मैं यहाँ पे अगर AC कर दूँ तो देखो यहाँ पे अलाइन सेंटर हो चुका है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने जो कॉलम का विथ था, ये यहाँ पे ऑटो फिट का यूज किया था। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए जो ऑटो फिट है, ये हमारा होम टैब में फॉर्मेट में प्लेस है। तो हम एक काम करते हैं, अभी ऑल्ट प्रेस करते, ऑल्ट प्रेस करने के बाद आपका एच प्रेस करते, और फॉर्मेट में एंटर करने के लिए हमें बता रहा है ओ, तो हम यहाँ पे ओ का यूज करते हैं। और ऑटो फिट के लिए आपको बताया जा रहा है कि आई, देखिए मैं आई प्रेस कर दिया, ऑटो फिट हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे बॉर्डर का यूज किया था। तो मैं वापस से कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन करूंगा जिससे मेरा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑल्ट एच फॉर होम, बी फॉर बॉर्डर, एन अगर देखो तो ए फॉर आपका ऑल बॉर्डर। तो मैं यहाँ पे ए दबा देता हूँ। ओके, उसके बाद हमने ये टेबल पे
थिक बॉर्डर प्लेस किया था इसके आउटर रीजन पे। तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं ऑल्ट एच, क्योंकि मुझे वापस से बी पे जाना है, तो बी, और थिक बॉर्डर के लिए टी बता रहा है, तो हम यहाँ पे टी प्रेस करते हैं। ओके, उसके बाद मुझे ये हेडर वाले रीजन के लिए मेरे को यहाँ पे थिक बॉर्डर प्लेस करना था, तो मैं काम करता हूँ हेडर वाले रीजन को कंट्रोल शिफ्ट राइट से सेलेक्ट करता हूँ, फिर वापस से ऑल्ट एच बी टी कर देता हूँ। देखिए थिक बॉर्डर आ चुका है। ओके, उसके बाद मुझे बैकग्राउंड कलर फिल करना है, तो वापस से मैं ऑल्ट एच बिकॉज होम टैब में है। फिर देखो बैकग्राउंड कलर के लिए आपको वापस से एच प्रेस करने बोल रहा है, तो मैं यहाँ से एच प्रेस करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ, मुझे जैसे येलो कलर करना है, मैं येलो कलर कर दिया। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे फॉन्ट का जो है यहाँ पे आपका बोल्ड करना है, तो वापस से हम जाएंगे ऑल्ट एच पी, बोल्ड करने के लिए वन प्रेस करने बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे वन प्रेस कर देता हूँ। ओके, मुझे वापस से फॉन्ट कलर चेंज करना है कंटेंट का, फिर मैं जाऊँगा वापस से ऑल्ट एच, फिर उसके बाद देखो फॉन्ट कलर के लिए बता रहा है एफ सी, तो मैं यहाँ पे एफ सी प्रेस करता हूँ, फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे जो भी कलर मुझे देना है मैंने वो कलर दे दिया। तो देखा आपने कितना सिंपल था। तो इस तरह से हम शॉर्टकट्स को यूज करते हैं, सारा का सारा लॉजिक आप ही के सामने है, आपको कोई भी चीज यहाँ पे मगअप करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम एक काम करते हैं, यही डेटा को कॉपी करते हैं, हमारे दूसरे शीट में एक नई शीट इंसर्ट किए, हम वहां पे जाके प्लेस कर देते हैं। ओके, तो अब हम ये करने वाले हैं कि सबसे पहला मुझे ये डेटा को का विथ जो है ऑटो फिट करना है, तो वापस से मैं जाऊंगा ऑल्ट एच ओ और उसके बाद आई, तो ये मेरा क्या हो गया, ऑटो फिट हो चुका है। ओके, अब मुझे ये यूज करना है, मुझे ये डेटा के ऊपर फिल्टर लगाना है, तो मैं ये डेटा को मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन करता हूँ। अभी फिल्टर के लिए मुझे पता है कि ये डेटा टैब में, तो मैं ऑल्ट दबा दूँ ए फॉर योर डेटा टैब, और देखो टी बता रहा है फिल्टर लगाने के लिए, तो इसी के साथ आपका आपका फिल्टर भी लग चुका है। अब ये फिल्टर के अंदर जो मैं है यहाँ पे मैं कुछ चीजें फिल्टर करना चाहता हूँ, फिल्टर आउट करना चाहता हूँ, तो इस ऑप्शन को जाने के लिए यूजुअली हम जब भी माउस यूज करते हैं तो माउस से हम जाते हैं और ये ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे माउस का यूज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे वो हेडर पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑल्ट और डाउन एरो का यूज करना है। आपने जैसे ऑल्ट और डाउन एरो कर लिया, देखो यहाँ पे आपका फिल्टर आउट वाला जो भी वैल्यूज है यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं, तो आप समझ गए, अगर मुझे ये फिल्टर को हटाना है फिर से मैं ऑल्ट ए और आपका टी दबा दूंगा तो यहाँ पे फिल्टर हट जाएगा। फिर मुझे मान के चलो मुझे ये नंबर्स को सॉर्ट करना है, अब यूजुअली सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जाते हैं और फिल्टर करते हैं, राइट। मुझे पता है कि यहाँ पे आपका डेटा टैब में यहाँ पे आपका सिंगल लेवल फिल्टरिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, तो हम एक काम करेंगे वो हेडर पे जाएंगे, जो चीज़ को सॉर्ट करना है मैं वापस से ऑल्ट ए का यूज़ करूंगा। देखो एस ए जो होता है आपका ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है, और जो एच डी होता है ये डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है, तो मुझे यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एस ए का प्रेस करूंगा। देखो आपका हर नंबर जो है यहाँ पे असेंडिंग टू डिसेंडिंग सॉर्ट हो चुका है, तो आप देख रहे हो कितना कमाल की चीज़ है कि हम बिना माउस उसके यूज करें यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स की का प्रयोग कर रहे हैं, और इस चीज के लिए आपको कोई भी चीज मगअप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको हर चीज प्रैक्टिस में लानी होगी, इनिशियल फेज में आपको टाइम लगेगा, ठीक है, बट ये टाइम कुछ टाइम के बाद आपका इतना कम हो जाएगा कि जो माउस से एक्टिविटी होती है उसका आपका कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में ये सारा काम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों कल से आप माउस को डिस्कनेक्ट कर लो और ये ट्रिक यूज करके कुछ दिन बाद कमाल देखो, आप भी फास्ट एंड प्रोफेशनल बन जाओगे। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, तो गो 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 गो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लाइक ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे फिट, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी।